आपके समक्ष आज फिर उपस्थित हूँ मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर। इससे पहले भी मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आज का मेरा वीडियो लेक्चर है कि हु इज़ द एडवोकेट एंड डिफाइन द क्वालिफिकेशन फॉर इट्स, यानी अधिवक्ता कौन होता है, अधिवक्ता किसे कहते हैं और अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए किन क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना जरूरी है, यानी कि उसकी शर्तें क्या होती हैं। जैसा कि यह लिखा है, हु इज द एडवोकेट डिफाइन द क्वालिफिकेशन फॉर इट्स, इसे हमने कुछ हेडिंग्स में डिवाइड किया है। नंबर एक, मीनिंग ऑफ एडवोकेट, अधिवक्ता से तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या डेफिनेशन दी गई है, किस तरीके से अधिवक्ता को परिभाषित किया गया है। थर्ड, क्लासिफिकेशन, ये यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवोकेट। फोर्थ, यानी कि अधिवक्ताओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्या अधिवक्ता में कुछ अंतर रखा गया है। फोर्थ, हु इज एनरोल्ड एज ए एडवोकेट, कौन व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो सकता है। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसकी पांच शर्तें दे रखी हैं जो हम वन बाई वन करके समझेंगे। विद्यार्थियों, यहां थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मैंने करेक्ट कर दी है। अब हम समझेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ एडवोकेट, क्या अर्थ होता है एडवोकेट। एडवोकेट का अर्थ ये कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से न्यायालय में उसकी ओर से पक्ष रखता है तो उस पक्ष रखने वाले व्यक्ति को अधिवक्ता कहते हैं। एडवोकेट मीन्स अबाउट ए पर्सन ऑथोराइज एट द डिजायर ऑफ द अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ प्लीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, आई मीन टू से एनी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर उसकी रजामंदी से किसी भी जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखता है, उसे अधिवक्ता कहते हैं। ये सामान्य सा अर्थ है। ये बात अलग है कि भिन्न भिन्न लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको अपने रूप में अर्थान्वयन और परिभाषित किया गया। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट। डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिवक्ता अधिनियम 1961 बन चुका है, तो उसके तहत अधिवक्ता किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 इन ए इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 डिफाइन द एडवोकेट मीन्स अबाउट ए पर्सन हु इज द एनरोल्ड एज ए एडवोकेट इन ए एडवोकेट लिस्ट। वह व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 की उपधारा 1 की उपधारा ए के तहत नामांकित है अधिवक्ता सूची में, अधिवक्ता के रूप में, उस व्यक्ति को हम अधिवक्ता कहते हैं। थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवोकेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवोकेट में हम समझेंगे कि दो तरह के अधिवक्ताओं को अलग अलग बताने का प्रयास एडवोकेट एक्ट 1961 में किया गया है। नंबर एक, सीनियर एडवोकेट। नंबर दो, एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट में कुछ अंतर है। वो अंतर ये है कि ये मानना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कि वह पर्सन एक्सपर्ट एज ए लॉ। जब कोई एक विशिष्ट अधिवक्ता ऐसा चुना जाए या कुछ अधिवक्ता चुने जाए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राय में, जिनकी विशेषज्ञता लॉ के मामले में कुछ डिफरेंट हो, यानी कि एज ए एक्सपर्ट जब उन्हें काउंट करते हैं तो उन्हें सीनियर एडवोकेट माना जाता है। सीनियर एडवोकेट का दर्जा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है, न कि अन्य किसी और के द्वारा। और दूसरे बाकी सभी जो एडवोकेट रहे वो अधिवक्ता के रूप में गिने जाएंगे। फोर्थ, हु इज एनरोल्ड एज ए एडवोकेट। तो यहाँ हम समझ लें कि
वह कौन से व्यक्ति हैं जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हमने दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता हो, जो भारत का नागरिक हो, वह अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है अधिवक्ता सूची में, अदरवाइज अन्य कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता सूची में नामांकित नहीं हो सकता है अधिवक्ता के रूप में। सेकंड, अबोव 21 ईयर और 21, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और साथ ही साथ कम से कम 21 वर्ष की आयु उसने कंप्लीट कर ली हो या 21 वर्ष से ज्यादा हो, वह व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता सूची में नामांकित हो सकता है। थर्ड, लॉ ग्रेजुएट, प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है उसका कि उसे लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, और लॉ ग्रेजुएट कहाँ से होगा, भारत से। भारत में किसी भी राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि मान्यता प्राप्त हो, उससे अगर उसने लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, विधि की उपाधि प्राप्त की है, तो वो एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड हो सकता है। फोर्थ, बीसीआई एंड बीसीएस रूल्स, बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीएस यानी बार काउंसिल ऑफ स्टेट रूल्स, प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु उसने कंप्लीट कर ली हो, लॉ ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों के नियमों को उसे मानना पड़ेगा। इन दोनों के द्वारा जो शर्तें आरोपित की गई हैं, उन शर्तों के आवंदन को उसे मानना पड़ेगा, तभी वो एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड हो सकता है। फिफ्थ, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी को भी हमने यहाँ दो तरीके से डिफाइन किया है, बीसीआई और बीसीएस, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि भारतीय विधिक परिषद और राज्य विधिक परिषद, इन दोनों में ही उसे स्टाम्प ड्यूटी फुलफिल करना होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक व्यक्ति एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड होता है कहीं भी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल दोनों में एक निश्चित धनराशि उसे स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर देना होती है। वो निश्चित धनराशि चेक द्वारा, डीडी द्वारा या एज यूजुअल जैसे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल द्वारा डिमांड की जाए, वो देना होगी। मोस्टली डीडी द्वारा डिमांड की जाती है। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा ये क्वेश्चन था कि हु इज द एडवोकेट एंड डिफाइन द क्वालिफिकेशन फॉर इट्स, इसे हमने देखिए बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। नंबर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ एडवोकेट, सेकंड, डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट, थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवोकेट, फोर्थ, हु इज एनरोल्ड एज ए एडवोकेट, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच पॉइंटों में मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इसी तरह मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे और भविष्य में भी आप लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद।